अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको बताऊंगा आज किस तरीके से दराज डॉट पी के पे ऑर्डर बुक किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और वहाँ लिखेंगे दराज, दराज लिखेंगे और फिर सबसे ऊपर दराज डॉट पी के लिखाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो दराज की वेबसाइट खुल जाएगी। दराज की वेबसाइट खुलने के बाद आप यहाँ ऊपर सीधे हाथ पे साइन अप पे जाएंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना नाम पूरा यहाँ लिखना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, फ़ोन नंबर लिखना पड़ेगा और फिर फ़ोन नंबर लिखने के बाद उसी फ़ोन नंबर पे जब आप फ़ोन नंबर लिख देंगे तो आपको यहाँ सेंड का बटन क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपके पास SMS वेरिफिकेशन कोड आएगा। इस कोड को आप इंटर करेंगे, जब जो कोड आपके फ़ोन पे आ जाएगा SMS के थ्रू, तो फिर आपको वो कोड यहाँ लिखना होगा और फिर आपको पासवर्ड देना होगा। जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, आप कोई भी पासवर्ड अपना रख सकते हैं जो आपको आसानी से याद रहे और स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद फिर आपने अपनी बर्थडे लिखनी है, इसमें आपने मंथ लिखना है, आपकी बर्थडे का कौन सा मंथ, आपका बर्थ का कौन सा मंथ है, आपका डे कौन सा है बर्थ का और आपका ईयर कौन सा है, कौन से सन के अंदर आपकी पैदाइश हुई है। उसके बाद फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, और फिर आपको ईमेल एड्रेस भी यहाँ लिखना है जो आपका ईमेल एड्रेस है। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपको ईमेल एड्रेस भी बनाना होगा। आप हॉटमेल पे बना सकते हैं, जीमेल पे बना सकते हैं, याहू पे बना सकते हैं। अच्छा, ये और उसके बाद फिर आप जो है वो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, इस पूरे फॉर्म को आप फिल कर लेंगे और यहाँ पे आप टिक कर देंगे जिस तरह से टिक हुआ हुआ है। अगर ये टिक हुआ हुआ है तो उसको फिर आप नहीं छेड़ेंगे, और अगर नहीं टिक हुआ तो ऐसे यहाँ साइन बना हुआ आ जाना चाहिए। तो फिर इसके बाद आप साइन अप पे क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर आप अकाउंट बनाने में आपको प्रॉब्लम है तो आप के पास अगर फेसबुक या गूगल का अकाउंट है तो आप उसके ज़रिए भी साइन अप कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो था अकाउंट बनाने का मेथड। अब अगर जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो उनको क्या करना है, उनको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है और फिर अपना अकाउंट खोल लेना है। पासवर्ड और ईमेल डाल के, अच्छा जब पासवर्ड और ईमेल डाल के अकाउंट खुल जाएगा, या फिर जिन्होंने अपना अकाउंट बनाना होगा वो अपना अकाउंट बना लेंगे, तो उसके बाद फिर कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी दराज की। जब इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी तो उसके बाद आपने करना ये है कि या तो आप इधर साइड से उल्टे हाथ पे यहाँ जो आप देख रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज शो रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, इस यहाँ पे जाके आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप परचेज़ करना चाह रहे हो, या फिर आप सर्च बॉक्स में जा सकते हैं। जो सर्च बॉक्स है इसमें आप टाइप कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4-in-1 स्टाइलस मैंने यहाँ टाइप कर दिया है। अब इसके बाद इसको इंटर भी प्रेस किया जा सकता है यहाँ, और इस पर क्लिक किया जा सकता है। ये इस पर क्लिक किया मैंने तो अब ये प्रोडक्ट्स खुल गई, प्रोडक्ट की लिस्ट खुल गई। अब ये प्रोडक्ट है जो मुझे ख़रीदनी है, सपोज़ करें अब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसकी मैं तमाम यहाँ पे डिटेल खुल जाएंगी। ये देखिए सारी की सारी डिटेल यहाँ खुल जाएगी, इसकी तस्वीरें भी यहाँ खुल जाएंगी और इसके प्राइस भी आ जाएगा, इसकी डिलीवरी चार्जेस भी शो हो जाएंगे और सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इसके अंदर रिटर्न वगैरह का। अब इसके अंदर यहाँ इस प्रोडक्ट को मैंने ऐड टू कार्ट करना होगा, लेकिन अच्छा यहाँ पे इसकी क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी ख़रीदनी है, ख़रीदनी है दो ख़रीदनी है, जितनी ज़्यादा ख़रीदनी है उतनी ज़्यादा ऐड करते रहेंगे। उसके बाद फिर ऐड टू कार्ट में जाएंगे, ऐड टू कार्ट में जाने के बाद ये प्रोडक्ट कार्ट में डल गई है। देखिए तीन क्वांटिटी आ गई हैं, तीन क्वांटिटी मैंने की थी। अभी यहाँ बता रहा है सब टोटल कितना हुआ हमारा 537 और उसके शिपिंग चार्जेस हो गए 99। अब ये टोटल हमारा इसने बता दिया कि हमारा कितना बिल बना है टोटल। उसके बाद हम कर देंगे इसको चेकआउट, चेकआउट पे क्लिक कर देंगे। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे हम कोई अगर वाउचर वगैरह है आपके पास तो उसका कोड डाल के आप यहाँ से डिस्काउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोड डालें और उसको अप्लाई कर देंगे तो आप यहाँ से वाउचर के डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जो वाउचर है उसकी बेस पे। और उसके बाद फिर अगर आपके पास नहीं है वाउचर तो बगैर वाउचर कोड डाले हुए आप प्रोसीड टू पे कर देंगे, प्रोसीड टू पे कर देंगे तो उसके बाद अब आपके पास यहाँ आपने सेलेक्ट करना है कि पेमेंट आप किस तरह करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग कैश के थ्रू करते हैं तो यहाँ आप कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। कैश पे क्लिक किया, कैश पे क्लिक हो गया। अब उसके बाद अब जो है आपके पास कंफर्म ऑर्डर का ये बटन आ गया। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा, कैश डिलीवरी, और इसने दे भी रहा है देखें, यू कैन पे इन कैश टू आवर कुरियर व्हेन यू रिसीव द गुड्स एट योर डोर स्टेप, यानी कि आप कैश में पे कर सकते हैं जब आप
सामान को जो है अपने डोर स्टेप पर रिसीव करेंगे। तो उसके बाद कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। तो ये था प्रोसेस दराज पे ऑर्डर बुक करने का।